हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस घर में। हम सब लोग घटनाचक्र से आधुनिक भारत कर रहे हैं। आधुनिक भारत कैसे, पहले 1857 का विद्रोह हो चुका है, आज जो होगा कुछ अन्य जन आंदोलन के बारे में होगा। जैसे कि 1857 के विद्रोह के बाद नील विद्रोह हुआ, सन्यासी विद्रोह हुआ, संथाल विद्रोह हुआ, पावना उपद्रव सब हुआ, इस सब के बारे में हम सब लोग चर्चा करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में क्या होता है? नील विद्रोह होता है। कब? 1859 और 60 के बीच में होता है। सन्यासी विद्रोह होता है 1763 से 1800। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 और संताल विद्रोह 1855 और 56 और पावना उपद्रव होता है 1873 से 76 के बीच। पावना उपद्रव 1873 से 76। तो नील विद्रोह बताइए। 1859 से 60 में। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800। संथाल विद्रोह 1855 से 56 और पावना उपद्रव 1873 ईस्वी में हुआ। नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई। कहाँ हुआ नील विद्रोह का शुरुआत? गोविंदपुर से, मतलब नदिया जिला, बंगाल के नदिया जिला के गोविंदपुर गांव से होता है। एक नील उत्पादक के दो भूतपूर्व कर्मचारी दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास के नेतृत्व में वहां के किसान एकजुट हुए तथा उन्होंने नील की खेती बंद कर दी। कौन कर्मचारी था, कर्मचारी का नाम बताइए। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। हाँ, इसके बारे में पूछता है। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, ये भूतपूर्व कर्मचारी था। और दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में वहां के किसान एकजुट होकर उन्हें नील की खेती को बंद करवा देता है। 1860 ईस्वी तक नील आंदोलन नदिया, पावना, खुलना, ढाका, मालदा और दिनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैल गया। बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने अखबारों में अपने लेखों द्वारा तथा जनसभाओं के माध्यम से इस विद्रोह के प्रति अपने समर्थन को व्यक्त किया। इसमें हिंदू पेट्रियाट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका रही है। बताइए, हिंदू पेट्रियाट के संपादक कौन था? हरिश्चंद्र मुखर्जी। हाँ, और ये किससे संबंधित है? हिंदू पेट्रियाट से संबंधित। हाँ, हिंदू पेट्रियाट से हरिश्चंद्र मुखर्जी संबंधित है। और इसका कहाँ मुख्य योगदान रहा है? बंगाल में। नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किसका उल्लेख किया है? नील बागान मालिकों के, नील बागान मालिकों के अत्याचार का खुला चित्रण किया है नील दर्पण में। हाँ, वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। जी सर, आनंद मठ से क्या लिया गया? वंदे मातरम। 1886 रहमतुल्लाह सियान कांग्रेस का अधिवेशन। हाँ, इस उपन्यास का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। बताइए, इस कथानक का उपन्यास किस पर आधारित है? सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। जी, रहमतुल्लाह सियानी के द्वारा। हाँ, अंग्रेजी प्रभु सत्ता को सबसे सुनियोजित तथा गंभीर चुनौती बहावी आंदोलन से मिली। पूछेगा किस आंदोलन से अंग्रेजी प्रभु सत्ता को सबसे, मतलब ज्यादा चुनौती मिली है? बहावी आंदोलन से मिली है, जो 19वीं शताब्दी के चौथे दशक से 7वें दशक तक चलता रहा है। राय बरेली के सैयद अहमद बरेलवी भारत में इस आंदोलन के प्रवर्तक थे। बताइए, बहावी आंदोलन के प्रवर्तक भारत में कौन था? राय बरेलवी। सैयद अहमद बरेलवी, ये राय बरेली का था। वह अरब के अब्दुल बहाब से प्रभावित हुए, परंतु अधिक प्रभाव दिल्ली के एक संत शाह वली उल्लाह का था। सैयद अहमद बरेलवी के प्रयत्नों से इस आंदोलन का विचारधारा शीघ्र ही काबुल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, बंगाल, बिहार, मध्य प्रांत आदि में फैल गई। कुछ समय के लिए इन्होंने 1830 ईस्वी में पेशावर पर कब्जा कर लिया और अपने नाम के सिक्के ढलवाए, किंतु अगले ही वर्ष वह बालकोट की लड़ाई में मारे गए। सैयद बरेलवी की मृत्यु के बाद पटना इस आंदोलन का केंद्र बना। बहावी आंदोलन का केंद्र कौन बना? सैयद पटना बना, सैयद मरने के बाद, बरेलवी के मरने के बाद। इस अवधि में आंदोलन का नेतृत्व मौलवी कासिम, विलायत अली, इनायत अली, अहमदुल्ला आदि ने किया। पटना में कौन इसका आंदोलन किया? विलायत अली, मौलवी कासिम, इनायत अली और अहमदुल्ला ने किया। पटना के अतिरिक्त हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, संयुक्त प्रांत तथा मुंबई में इसी आंदोलन की शाखाएं स्थापित की गई। पटना के अतिरिक्त और कहाँ कहाँ किया गया था बहावी आंदोलन का? हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, संयुक्त प्रांत तथा मुंबई में।
अब देखिए कुका आंदोलन वहाबी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था, दोनों जो है ना धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुए। वहाबी आंदोलन और कुका आंदोलन कैसा आंदोलन था? दोनों धार्मिक आंदोलन था, किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए। कुका आंदोलन जो था बाद में राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो जाता, जिसका समान उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिमी पंजाब में कुका आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक में भगत जवाहर मल द्वारा की गई, जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। बताइए कुका आंदोलन कहाँ हुआ था? पश्चिमी पंजाब में। और इसके कौन थे, शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? जवाहर मल, भगत जवाहर मल। कब किया गया था? 1840 में। और इसको जो है सियान साहब के नाम से भी जाना जाता था। इनका उद्देश्य था सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मतलब बुराइयों और सिख धर्म जो चल रहा था, बुराई और अंधविश्वास, उसको दूर कर उसको शुद्ध करना था। 1872 ईस्वी में इस आंदोलन का नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहाँ इसकी मृत्यु 1885 ईस्वी में हो गई। राम सिंह को कहाँ भेज दिया? रंगून भेज दिया, और वहीं उसकी 1885 मृत्यु हो जाती है। मुगल बादशाह को भी भेजा था रंगून। हाँ, पागल पंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। पागल पंथ कैसा था? धार्मिक संप्रदाय था, एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था, जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। करम शाह के पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीटू धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित थे। उसने जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया। 1825 ईस्वी में टीटू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया तथा राजा बन बैठा। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा, और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर नियुक्त किया है। कौन? टीटू। टीटू शासक कब बनता है? 1825 में। फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी सरयतुल्ला द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। फराजी लोग कौन थे? फराजी लोग जो है बंगाल के फरीदपुर के हाजी सरयतुल्ला द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। सरयतुल्ला के पुत्र दद्दू मियां ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना किसने बनाई थी? दद्दू मियां ने बनाई। यह आंदोलन 1818 से 1862 तक चलता रहा। अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी वहाबी दल में सम्मिलित हो गए। 1805 ईस्वी में वेलेजली ने त्रावणकोर के महाराजा की संधि कर सहायक संधि करने पर विवश कर दिया। त्रावणकोर कहाँ है? केरल में। महाराजा संधि की शर्तों से अप्रसन्न था, और इसलिए उसने सहायक संधि संबंधी कर देने में आनाकानी की। मतलब सहायक संधि जो उसको कर दिया जाता था उसको देने से आनाकानी का असमर्थ। हाँ, अंग्रेजी रेजिडेंट का व्यवहार भी बहुत धृष्टतापूर्ण था, जिसके फलस्वरूप दीवान वेलू थम्पी ने विद्रोह कर दिया, जिसने नायर बटालियन ने उसका समर्थन किया। नायर बटालियन ने किसका समर्थन किया था? दीवान वेलू थम्पी को नायर बटालियन ने समर्थन किया था। प्रारंभिक भारतीय क्रांतिकारी में अग्रगण्य वासुदेव बलवंत फड़के ने बंबई प्रेसिडेंट के रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके उन्हें प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया और रामोसी कृषक जत्था की स्थापना की थी। गडकरी लोग मराठों के किलों में काम करने वाले उनके वंशानुगत कर्मचारी थे। उन्होंने मनमाने ढंग से भू राजस्व की वसूली, मराठा सेना से उन्हें सेवा मुक्त किए जाने और उनकी जमीनों को मामलतदारों की देख रेख के अधीन कर दिए जाने के विरुद्ध 1844 ईस्वी में कोल्हापुरी में विद्रोह कर दिया। अब देखिए खोन जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे, और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वे वस्तुतः स्वतंत्र थे। खोन जनजाति कहाँ रहता था? तमिलनाडु और से लेकर बंगाल के मध्य भारत तक फैला हुआ था। इन्होंने 1817 से 1856 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। खोन जनजाति कब से कब तक अंग्रेजों का? 1817 1856
इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्र बिश्नोई ने किया। किसने किया है इस आंदोलन का नेतृत्व? चक्र बिश्नोई ने किया। इस विद्रोह के मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि को प्रतिबंध करने के प्रयास, अंग्रेजों द्वारा नए करों का आरोप और अनेक क्षेत्रों में जमींदारों तथा साहूकारों के प्रवेश से संबंधित थे, जिनके कारण आदिवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने एक मरीहा एजेंसी गठित की जिसके विरुद्ध खोंदों ने विद्रोह किया। पूछेगा खोंदों ने किसके विरुद्ध विरोध किया था? एक अंग्रेजों ने एक मरीहा एजेंसी गठित किया था, इसी के विरुद्ध खोंद जनजाति ने उसका विद्रोह किया। 1817 से 1856 तक चला ये विद्रोह। 1817 से 1856। छोटा नागपुर क्षेत्र में कोर विद्रोह का नेतृत्व 1831 से 1832 ईस्वी में बुद्धू या बुद्धो भगत ने किया था। छोटा नागपुर क्षेत्र में कोर विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? बुद्धो भगत ने किया था। 1831-32 में हुआ था। ये कौन विद्रोह हुआ था? कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र में। यह विद्रोह रुक रुक कर 1848 तक चलता रहता है तथा अंततः इसे सरकार द्वारा कुचल दिया गया। बैघर विद्रोह 1818 बघेरा विद्रोह 1818 ईस्वी में बड़ौदा में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया था। बघेरा विद्रोह कब हुआ? 1818 में बघेरा विद्रोह 1818 में बड़ौदा में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया। और 1857 के पूर्व के प्रमुख विद्रोह का क्रम देखिए, जैसे कि बंगाल का सिपाही विद्रोह कब होता है? 1857 से जो पहले का विद्रोह होता है उसको देख लीजिए। बंगाल का सिपाही विद्रोह 1764 ईस्वी में, जिसमें हेक्टर मुंडरो की एक बटालियन बक्सर की रणभूमि से मीर कासिम से जा मिली थी। और दूसरा नंबर में होता है वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 में। पहले देखिए 1857 से पहले जो बंगाल का सिपाही विद्रोह था 1764 में, उसके बाद वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 में, कच्छ का विद्रोह 1819-31 में, और कोल विद्रोह 1831-32 में, और संथाल विद्रोह 1855-56 में। तो देखिए 1857 से पहले का विद्रोह का बताइए, करम भाई बताइए। सबसे पहले बंगाल का सिपाही विद्रोह, तब उसके बाद बिल्लोर का सिपाही विद्रोह, उसके बाद कच्छ का विद्रोह, उसके बाद कोल विद्रोह और संथाल विद्रोह। पहले कोल विद्रोह होता है, उसके बाद कौन होता है? संथाल विद्रोह होता है। एक बार बोलिए 1857 से पहले का महत्वपूर्ण विद्रोह। पहले था करम भाई, बंगाल का सिपाही विद्रोह, बेलोर का सिपाही विद्रोह, वेल्लोर का सिपाही विद्रोह, कच्छ का विद्रोह, कोल का विद्रोह, संथाल का विद्रोह। देखिए 1855-56 ईस्वी का संथाल विद्रोह एक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था, जिसमें मूलतः आदिवासी आवेग और ब्रिटिश शासन के पूर्व तिरस्कार जैसी भावनाएं देखने को मिलती है। भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र, जो कि दामन एको के नाम से जाना जाता है, में यह मूलतः आर्थिक कारणों से हुआ था। यह पूछेगा कोल विद्रोह भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र जो क्या जाना जाता था, क्या नाम से? दामन एको। दामन एको के नाम से जाना जाता था, वहां मूलतः यह आर्थिक कारणों से यह विद्रोह हुआ था। कौन? दामन एको। कौन विद्रोह? संथाल विद्रोह हुआ था। पूछेगा पहले कोल विद्रोह हुआ कि पहले संथाल विद्रोह हुआ? पहले कोल विद्रोह, तब संथाल विद्रोह। देखिए साहूकारों तथा औपनिवेशिक प्रशासक दोनों ही उनका शोषण कर रहे थे। दिकुओं किसको बोला जाता था? बिहारी लोग को क्या बोला जाता था? बाहरी लोगों को, सॉरी बाहरी लोगों को दिकुओं बोला जाता था। दिकुओं एवं व्यापारियों ने संथाल द्वारा लिए गए ऋणों पर 50% से लेकर 500% ब्याज वसूल किया था। बाहरी लोग जो था ना, जो बाहरी लोग संथालों के द्वारा लिए गए ऋण पर 50% से लेकर 500% तक वसूली करता था इससे, संथाल से। इस विद्रोह का नेता सिदो, कान्हू, चांद एवं भैरव नामक चार भाई थे। बताइए संथाल विद्रोह का नेता सिदो, कान्हू, चांद, भैरव। सिदो, कान्हू, चांद, भैरव, बहुत पूछता है ये बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। चार गो भाई था। सिदो ने अधिकारियों से कहा था कि ठाकुर जी ने मुझे आदेश देते समय कहा कि यह देश साहबों का नहीं है, ठाकुर जी खुद हमारी तरफ से लड़ेंगे, इस तरह आप साहब लोग और सिपाही लोग खुद ठाकुर जी से लड़ोगे। यह आंदोलन 1856 ईस्वी तक जारी रहा और अंततः विद्रोही नेताओं को पकड़ने के बाद आंदोलन को भारी दमन के साथ कुचला गया। यह आंदोलन कब तक जारी रहा? 1856 तक जारी रहा। देखिए 1855 ईस्वी में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भगनीडीह तालुके में विद्रोह कर
कहाँ भागलपुर के भगनीदी तालुके में विद्रोह कर दिया था, क्या विद्रोह कर दिया था, ठीक ना। और संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई थी। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किस दबाने के लिए कौन भेजा? मेजर बारो को भेजा गया था, जिसने संथालों ने उसे हरा दिया था। संथाल ने इसको क्या किया था? हरा दिया था। किसको? मेजर बारो को। अंततः भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड ने क्रूरता पूर्वक संथाल विद्रोह का दमन किया। तो संथाल विद्रोह को सबसे पहले किसको भेजा था? मेजर बारो। लेकिन मेजर बारो क्या हुआ? हार गए, पराजित हो गए। और उसके बाद भागलपुर का जो कमिश्नर था ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड ने क्रूरता पूर्वक इसको क्या किया था? संथाल विद्रोह का दमन कर दिया। अब देखिए भील विद्रोह। भीलों की आदिम जाति पश्चिमी तट के खानदेश में रहती थी। कहाँ रहती थी? पश्चिमी तट के खानदेश में। 1818 से 1831 ईस्वी तक इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। कंपनियों के अधिकारों का कथन था कि इस विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा उसके प्रतिनिधि त्रयंबक जी दांगलिया ने प्रोत्साहित किया था। सरकार का मानना था कि इसने इसको जन पेशवा बाजीराव उसकाया है भील को। वास्तव में कृषि संबंधी कष्ट तथा नई सरकार का भय ही इस विद्रोह का कारण था। भील विद्रोह का कारण क्या था? कृषि संबंधित कष्ट। कृषि संबंधित कष्ट तथा नई सरकार का जो भय था ना, वही भील विद्रोह का महत्वपूर्ण कारण था। 1825 ईस्वी में सेवरम के नेतृत्व में इन लोगों ने विद्रोह किया। भील विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? 1825 में सेवरम के नेतृत्व में भील विद्रोह का नेतृत्व हुआ, भील विद्रोह किया गया था। ब्रिटिश सेना का काफी प्रयास के बाद इस विद्रोह को कुचल सकी। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के उत्तर में था, स्थित है। रंपा विद्रोह कहाँ हुआ? आंध्र प्रदेश के उत्तर में। आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के उत्तर स्थित रंपा पहाड़ी क्षेत्र में हुआ था। रंपा विद्रोह कहाँ हुआ था? रंपा पहाड़ी क्षेत्र में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश। हाँ, देखिए आदिवासियों का यह विद्रोह साहूकार के शोषण और वन कानूनों के विरुद्ध था। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में सूरजी भगत एवं गोविंद गुरु नामक समाज सुधारकों ने राजस्थान के मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, पाली इत्यादि रियासतों में बसी भील जनजाति में सामाजिक सुधारों में प्रयास किए। देखिए गोविंद गुरु, इन्हें लोसरिया भी कहा जाता था। गोविंद गुरु को क्या बोला जाता था? लोसरिया। गोविंद गुरु ने भील को संगठित करने के उद्देश्य से 1883 ईस्वी में सभ्य सभा की स्थापना की। बताइए सभ्य सभा की स्थापना किसने किया था? गोविंद गुरु ने। किस लिए किया था? भीलों को संगठित करने के लिए। 1883 में सभ्य सभा का स्थापना किसने किया? गोविंद गुरु ने। गोविंद गुरु को लोसरिया आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। पूछेगा गोविंद गुरु किस आंदोलन के प्रवर्तक थे? लोसरिया आंदोलन के प्रवर्तक माना जाता है। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह। अब देखिए मुंडा आदिवासी विद्रोह हो गया 1899 से 1900 ईस्वी के बीच होता है। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। मुंडा जाति में सामूहिक खेती का प्रचलन था, लेकिन जागीदारों, ठेकेदारों, बनियों और सूदखोरों ने सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला बोला। मुंडा जाति जो है ना सामूहिक खेती करता था, लेकिन इस पर हमला किसने बोल दिया था? जमींदारों, सूदखोर, बनियों, ठेकेदार, ये सब जन उस पर हमला बोल दिया। मुंडा सरदार 30 वर्ष तक सामूहिक खेती के लिए लड़ते रहे। कितना वर्ष तक? 30 वर्ष तक। और इनका यह विद्रोह सरदारी लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। इनका यह विद्रोह किस नाम से जाना जाता है? सरदारी लड़ाई के नाम से। कौन विद्रोह जाना जाता है? मुंडा विद्रोह। 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया था। बिरसा ने 1895 में अपने आप को क्या बोला कि मैं भगवान का दूत हूँ। मुंडा विद्रोह को उलगुलान के नाम से भी जाना गया है। उलगुलान महान हलचल। उलगुलान का मतलब होता है महान हलचल, मतलब कि हर जगह अपने भय उत्पन्न कर दिया, हलचल। तो उलगुलान विद्रोह किसको बोला गया? मुंडा विद्रोह। यह विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। मुंडों को पारंपरिक सामूहिक खेती वाली भूमि व्यवस्था, कूटखट्टी या मुंडारी के जमींदार या व्यक्तिगत भू स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई। लेकिन कालांतर में बिरसा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान किया।
बाद में इसको क्या क्या कर दिया मुंडा ने, रूप मतलब कि ये धार्मिक राजनीतिक आंदोलन में इसको बदल दिया। पहले तो ये कृषि में जो इसको अति रुकावट हुआ था उसके लिए किया था, लेकिन बाद में इसने धार्मिक और राजनीति में राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित कर दिया। इनको जगत पिता या धरती आबा कहा जाता था। किसको? बिरसा मुंडा को जगत पिता और धरती आबा कहा जाता था। उसने कहा कि दिकुओं से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। इसने कहा कि जो कि गैर आदिवासी था ना, उससे हमारी लड़ाई होगी और उससे उससे जो है ना जमीन धरती इतना लाल हो जाएगी कि जैसे कि लाल झंडा होता है। 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर में 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर के जाम कोई जंगल में सोते समय बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया। बिरसा को कहाँ गिरफ्तार कर गया? जाम कोई जंगल में सोते समय बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया। कब? 1900 ईस्वी में, 3 मार्च 1900 ईस्वी को। इसका कभी कोई डेट भी पूछ देता है। और 9 जून 1900 को जेल में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। 3 मार्च को उसको पकड़ा और 9 जून को मृत्यु। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची से लेकर भागलपुर था। कहाँ था? रांची से लेकर भागलपुर तक था बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र था। बिरसा ने अनेक देवताओं को पूजा को छोड़कर अपने अनुयायियों से एक ईश्वर की पूजा करने का आह्वान किया। सिंह बोंगा एक ईश्वर था, उसका पूजा करने के लिए बिरसा ने बोला था। ठक्कर बापा ने जनजातियों लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया। आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? ठक्कर बापा ने किया था। जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? ठक्कर बापा ने किया था। हाँ, ये हरिजन सेवक संघ के महासचिव थे। ठक्कर बापा किसके साथ महासचिव? हरिजन सेवक संघ के महासचिव थे। ठक्कर बापा जो था हरिजन सेवक संघ के महासचिव, और आदिवासी शब्द कौन दिया था? ठक्कर बापा ने दिया था। हाँ, होज विद्रोह 1820 ईस्वी में हुआ, जिसका केंद्र बिहार का संथाल परगना था। लोटा नहीं है, देखिए होज विद्रोह, होज विद्रोह को और किस नाम से जाना? लोटा विद्रोह, हो विद्रोह कब हुआ है? 1820 से 21। और इसका मुख्य केंद्र कहाँ था? बिहार का संथाल परगना से था। खैर आदिवासी आंदोलन भागीरथ मांझी के नेतृत्व में 1874 ईस्वी में हुआ था। खैरवार आदिवासी आंदोलन भागीरथी मांझी के नेतृत्व में 1874 में हुआ था। संभलपुर की गद्दी के दावेदार सुरेंद्र साई ने यहाँ ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। संभलपुर के गद्दी के दावेदार सुरेंद्र साई ने यहाँ ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। 1862 ईस्वी में उसने आत्मसमर्पण कर दिया। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र के वर्ष में 1921 में। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? केरल के मालाबार क्षेत्र में। कब? 1921 में। यहाँ पर काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे तथा जमींदार अधिकतर हिंदू थे। यह आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। मोपला विद्रोह किसके खिलाफ था? जमींदार के शोषण के खिलाफ था। अब देखिए ओहम विद्रोह 1828 ईस्वी में प्रारंभ होता है। इसका नेता गोमधर कुंवर थे। ओहम विद्रोह का नेता कौन थे? गोमधर कुंवर थे। ओहम विद्रोह का नेता गोमधर कुंवर थे। अब देखिए ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ उराव आदिवासियों के मध्य वर्ष 1914 में छोटा नागपुर में हुआ। ताना भगत का आंदोलन का कहाँ होता है? उसका ताना भगत का आंदोलन 1914 में छोटा नागपुर में। इस आंदोलन का नेतृत्व करता जतरा भगत, बलराम भगत तथा देव मेनिया भगत आदि थे। ताना भगत का प्रमुख कौन था? जतरा भगत, बलराम भगत, देवनिया भगत। महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाले पहले जनजाति नेता जदोनांग थे। जोरानांग बताइए, महात्मा गांधी और उनके विचारधारा से प्रभावित होने वाले पहले आदिवासी नेता जोरानांग, ये पूछता है क्वेश्चन कौन था? जनजाति नेता जोदोनांग। पूछेगा महात्मा गांधी की विचारधारा से प्रभावित होने वाला पहला आदिवासी नेता जोदोनांग। जनजाति नेता कौन था? जोदोनांग। वे मणिपुर के नाग जनजाति के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थे। जोदोनांग कहाँ था? मणिपुर के नागा जनजाति के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थे। अब देखिए इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं।
1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा नील उपद्रव कौन हुआ? नील उपद्रव हुआ, विप्लव हुआ, नील उपद्रव हुआ। नील कृषकों को दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नीला दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु। कौन है? दीनबंधु मित्र है। 42वां बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नीला दर्पण दीनबंधु। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसने इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया है उसकी रचना दीनबंधु। देखिए 66वां बीपीएससी यही क्वेश्चन है, 42वां बीपीएससी यही क्वेश्चन है। नील दर्पण नाटक का लेखक दीनबंधु। यूपीपीसीएस में वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? बंकिमचंद्र चटर्जी। आनंद मत उपन्यास के कथा वस्तु आधारित है सन्यासी विद्रोह पर। पूछता है कि आनंद मठ में किस विद्रोह का चर्चा किया गया है? सन्यासी विद्रोह का क्वेश्चन पूछा भी था 66वां या 66वां बीपीएससी। देखिए निम्नलिखित विद्रोहियों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया है? सन्यासी विद्रोह। देखिए आइए 2006 में पूछा है यही क्वेश्चन सेम है। निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, क्योंकि आनंद मठ में उसका मतलब कि चर्चा किया है। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का कथा नक आधारित है सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। बताइए पावना विद्रोह कब होता है? पावना विद्रोह 1873 से 76 और दक्कन किसान विद्रोह 1875 और सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800। कोल विद्रोह 1831-32। ठीक है। मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? बताइए। बकास्त भूमि की वापसी की मांग, जो कि 39वां बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ। बताइए 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था? पटना। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन था 19वीं शताब्दी में? पटना था। कुका आंदोलन को किसने संगठित किया था? गुरु राम सिंह ने। 45वां बीपीएससी में पूछा हुआ, बीपीएससी का ये जो आंदोलन बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। गुरु राम सिंह। बताइए कुका आंदोलन की नींव पड़ी थी कहाँ पर? पंजाब में। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था गारो का। पागलपंथी विद्रोह किसका था? गारो का। पागलपंथी की स्थापना किसने की थी? करम शाह। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? करम शाह। 56 और 59 बीपीएससी में पूछा हुआ। निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? दादू मिया। फराजी विद्रोह का नेता कौन था? दादू मिया। और पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? करम शाह। फराजी कौन था? फराजी एक था ये हाजी सियातुल्लाह के अनुयायी। हाजी सियातुल्लाह के अनुयायी था फराजी। यह फिर 56 और 59 बीपीएससी में पूछा हुआ है। बताइए वेलू थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था कहाँ पर? केरल में। महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? वासुदेव बलवंत फड़के ने। बताइए रामोशी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? पश्चिमी घाट में। 56 और 59 बीपीएससी में पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन शाहस्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? कोल्हापुर। गडकरी विद्रोह का केंद्र कोल्हापुर। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति खोन विद्रोह था, मतलब खोन जनजाति था, जो की 40वां बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बुद्धू भगत। कोल विद्रोह कब होता है? 31 और 32। 1831 में 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? सिंह भूमि पलामू हजारीबाग सभी जगह होता है, छोटा नागपुर के क्षेत्र में। ये 66वां बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ। बघेरा विद्रोह का केंद्र बताइए? बड़ौदा। 56 और 59 बीपीएससी 56 और 59 बीपीएससी में 3-4 क्वेश्चन पूछ गया एक जैसा। अच्छा बताइए वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? वेल्लोर का विद्रोह सर जॉर्ज बार्ले के नेतृत्व में हुआ था। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? छोटा नागपुर नहीं हुआ, इस वजह से कोई नहीं है।
देखिए इसमें ऑप्शन 1807 से 1860, 1820, 1858 से 1859 और डी नंबर में 1889, इनमें से कोई नहीं होगा। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ है, ठीक ना। बताइए किस स्थान पर आदिवासी ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? बिहार, पंजाब, सिंध और काठियावाड़। बिहार में। बिहार में। यह 64वां बीपीएससी में पूछा हुआ। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू कान्हू चांद भैरव। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ है? 1855 में। संथाल विद्रोह 1855 और 56 में। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू कान्हू। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज के कमांडर को हराया? मेजर बारो को हराया। मेजर बारो को 47वां बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए निम्नलिखित में से किस घटना महाराष्ट्र में घटित हुई है? भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रामपा विद्रोह, संथाल विद्रोह। भील विद्रोह महाराष्ट्र में घटित हुआ। बताइए मेवाड़, बांगर और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधारों के लिए लसोरिया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? गोविंद गिरी ने। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? बिरसा मुंडा। 40वां विद्रोह जो हलचल ला देता है। उलगुलान का मतलब ही होता है हलचल। यह बिरसा मुंडा संबंधित है। 39वां बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? 1899 से 1919 बिरसा मुंडा। आईएएस 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता कहा जाता था वह था? बिरसा मुंडा। बताइए मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था कब? 1899 में। 1895 में मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था। 1895 में 45वां बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। बिरसा को सोते समय कब पकड़ा गया? 3 फरवरी 1900। देखिए डेट के साथ 3 फरवरी 1900 को पूछा गया बीपीएससी 2016 में। 3 फरवरी 3 मार्च को होगा, इसमें से कोई नहीं होगा। सॉरी सही में 3 मार्च को होगा। 6 जून को मर जाता है। 9 जून को मर जाता है। तो बिरसा मुंडा को 3 मार्च 1900 को पकड़ा जाता है और 9 जून को मर जाता है। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में था? बिरसा मुंडा जो है ना वो आपको इनमें से कोई नहीं है। मुंडा आदिवासियों के पक्ष में था, मतलब मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह किया था, उसी के पक्ष में था। भूमि व्यवस्था में जो परिवर्तन एवं जो लाया था ना उसी के विरुद्ध था। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? चंपारण, रांची, बलिया, अलीपुर। बताइए रांची। ये देखिए 48 और 52वां बीपीएससी में पूछा हुआ। जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? देखिए ठक्कर बापा ने किया था। कौन कहता? ठक्कर बापा। आईएएस में पूछा हुआ 1995 में। कोई ठीक है खतरा। हौज विद्रोह हुआ? हौज विद्रोह हो गया आपको सर 1820 से 21 में। ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन 43वां। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? खैरवार आदिवासी 1874 में खैरवार आदिवासी आंदोलन होता है, ठीक है। बताइए संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधियों विद्रोही का नेता निम्नलिखित में से कौन था? उत्तरित सिंह, सुरेंद्र शाह, कट्टो बम्बन, सैयद अहमद बरेलवी। सुरेंद्र शाही। बताइए संथाल विद्रोह कब होता है? 1855 में। सिपाही विद्रोह 1857 में। और नील विद्रोह 1859 से 1860। दक्कन दंगे 1875 में। 1875 में। 75 में। अच्छा देखिए मिलन करने दिया। मोपला विद्रोह, पावना विद्रोह, एका आंदोलन, बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ कहाँ होता है? बताइए मोपला विद्रोह कहाँ होता है? केरल में होता है। केरल में होता है। अब पावना विद्रोह? पावना बंगाल में। बंगाल में होता है। एका आंदोलन? एका आंदोलन अवध में होता है। एका आंदोलन अवध में। अवध में होता है, कन्फर्म बोल बोलो ना। एका आंदोलन अवध में। और बिरसा मुंडा विद्रोह? अवध में। बिरसा मुंडा विद्रोह ये बिहार में कहाँ होता है? पावना बंगाल में ना। बंगाल में तो बोला तो बंगाल में। पावना विद्रोह बंगाल में होता, ठीक है। आपका ध्यान यहाँ नहीं है। बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार में, बिहार और झारखंड क्षेत्र में, ठीक है। मतलब तेभांग आंदोलन कब होता है? तेभांग 1946-47 में। तेभांग आंदोलन 1946-47। मोपला विद्रोह 1921 में। पावना किसान विद्रोह 1873-76 में। 1873-76 नील विद्रोह, बंगाल नील विद्रोह 1869-60। बताइए एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था कहाँ? एका आंदोलन का उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों के द्वारा किया गया था एका आंदोलन, ठीक जी। बताइए 1921
1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था मोपला, केरल में। 48 और 52वां बीपीएससी में पूछा हुआ है, मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था, केरल के मालाबार तट पर। 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था मालाबार के तट पर, बताइए। देखिए मिलान करने की सूची 1 और सूची 2 से। बैरकपुर विद्रोह बताइए कब, बताइए उसका तिथि बताइए। नवंबर 1824, 2 नवंबर 1824 में। बरहामपुर विद्रोह 2 नवंबर 1824, बरहामपुर विद्रोह 4 फरवरी 1857, 4 फरवरी 1857। संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह हो गया 1855 56, बेल्लोर विद्रोह 1 जुलाई 1806 को, जुलाई 1806 बताइए। अहोम विद्रोह कब होता है? 1828 में होता है। कोल विद्रोह, कोल विद्रोह 1831-32 कोल विद्रोह, संथाल 55-56, मोपला 1921 में। 1921 में दयाराम सहनी ने क्या किया था रे भाई? पुरातात्विक खुदाई, पटेल बोलेगा देख रहे हो कहां। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मोपला विद्रोह केरल, कुका विद्रोह पंजाब, कोली विद्रोह गुजरात, चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश। सी और डी सही सुमेलित नहीं है, मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, कुका विद्रोह पंजाब में हुआ था। बताइए अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी कहाँ? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति कहाँ प्रारंभ की गई थी? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? मुंडा बिरसा, संथाल कान्हू, ठीक है, ओम गोमधर कुमार, नायक ताना भगत। नायक गलत है, यही गलत है, नायक ताना भगत नहीं होगा। था नायक कौन था? राम भगत, जतरा भगत, देवनिया भगत। हाँ, ताना भगत आंदोलन जतरा उड़ाव ने किस वर्ष प्रारंभ किया था? 1914 में। ताना भगत कब हुआ था? 1914 में हुआ था। बताइए भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? भूमिज विद्रोह का नेता गंगा नारायण, गंगा नारायण। भूमिज विद्रोह का नेता गंगा नारायण। तेभांग आंदोलन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ किसके नेतृत्व में? किसान सभा के नेतृत्व में। 66वां बीपीएससी में पूछा हुआ। तेभांग आंदोलन कहाँ स्टार्ट होता है? कहाँ स्टार्ट होता है? बंगाल में 1946 में किसान सभा के नेतृत्व में। बताइए महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे? जोरानांग। इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया? एन एम लोखंडे। इसने क्या किया था? भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था। एन एम लोखंडे ने। तो इस तरह से हमारा पूरा क्वेश्चन आंसर हो गया। अब जो पूछते हैं आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास कैसे होता है? कैसे होता है देखिए 1780 में वारन हेस्टिंग ने कलकत्ता में मदरसा का स्थापना की। 1780 में वारन हेस्टिंग के द्वारा कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किया गया। हां, इसके प्रमुख प्रथम प्रमुख कौन था? मौलवी मोइज उद्दीन। इस मदरसे में फारसी, अरबी और मुस्लिम कानून पढ़ाया जाता था। बताइए कलकत्ता मदरसा का स्थापना किसने करवाया था? 1780 में। और इसका प्रमुख कौन था? मौलवी मोइज़ुद्दीन था। और इसमें पढ़ाई किस किस चीज का होती थी? फारसी, अरबी, मुस्लिम कानून। मुस्लिम कानून। इसके स्नातक ब्रिटिश राज में दो भाषाएं के रूप में सहायता करते थे। 1791 ईस्वी में बनारस के ब्रिटिश रेजिमेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों के फलस्वरूप बनारस में एक संस्कृत कॉलेज खोला गया जिसका उद्देश्य हिंदुओं के धर्म, साहित्य और कानून का अध्ययन करना था। बताइए बनारस में संस्कृत कॉलेज किसके सहयोग से खोला गया? जोनाथन डंकन के सहयोग से। और इसमें क्या पढ़ाई होती थी? संस्कृत, हिंदुओं के धर्म, हिंदुओं के धर्म, साहित्य और कानून का अध्ययन कराना का पढ़ना मतलब होता था इसमें। किसके द्वारा संस्कृत कॉलेज खोला गया? जोनाथन डंकन के द्वारा। कहाँ? बनारस। बनारस में। पेरिस के रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। वारन हेस्टिंग के काल में चार्ल्स विल्किंसन ने भगवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद किया। बताइए चार्ल्स विल्किंसन ने भगवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद किया था। पूछेगा भगवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद किसने किया? चार्ल्स विल्किंसन ने। किसके शासनकाल में? हेस्टिंग्स के काल में।
विल्किंस ने फारसी तथा बांग्ला मुद्रण के लिए ढलाई के अक्षरों का आविष्कार किया। हॉल हेड ने 1778 ईस्वी में संस्कृत व्याकरण प्रकाशित किया। हॉल हेड ने 1778 ईस्वी में संस्कृत व्याकरण प्रकाशित किया। कौन? हॉल हेड ने 1778 में संस्कृत व्याकरण प्रकाशित किया था। सर विलियम जॉन वारन हेस्टिंग के समय कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके समय में नियुक्त हुआ? सर विलियम जॉन वारन हेस्टिंग के समय हुआ था। वारन हेस्टिंग्स का कार्यकाल 1785 था। इनकी प्रेरणा पर 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई एवं ये स्वयं इसके सभापति नियुक्त हुए। इसके जो सभापति नियुक्त हुए कौन? हेस्टिंग्स। इस संस्था ने एशियाटिक रिसर्चेज नामक पत्रिका के माध्यम से भारत के अतीत को प्रकाश में लाने का कार्य किया गया। कौन संस्था के द्वारा? एशियाटिक सोसाइटी के संस्था के द्वारा एशियाटिक रिसर्चेज नामक पत्रिका के माध्यम से भारत के अतीत को प्रकाश में लाने का काम किया गया। इसी क्रम में इन्होंने 1789 ईस्वी में कालिदास रचित अभिज्ञान संस्कृतम को अंग्रेजी में अनुवाद करवाया। अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था। 1854 ईस्वी के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 ईस्वी में W.W. Hunter की अध्यक्षता में एक आयोग को नियुक्त किया गया था। जी, शिक्षा संबंधित 1882 ईस्वी में W.W. Hunter की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। हंटर आयोग, ठीक ना? हंटर आयोग इसको बोलते हैं। इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया था। राष्ट्र शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवम्बर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई और 16 नवंबर 1905 में कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना कब होती है? 8 नवंबर 1905 को। राष्ट्र शिक्षा क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना होती है और 16 नवंबर 1905 में कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन हुआ है। इस सम्मेलन में राष्ट्र साहित्यिक वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्र शिक्षा परिषद स्थापित करने का फैसला हुआ। किस सम्मेलन में राष्ट्र शिक्षा परिषद का स्थापित करने का फैसला होता है? 16 नवंबर जो 1905 में कलकत्ता में जो सम्मेलन होता है। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्र शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। राष्ट्र शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई? 15 अगस्त 1906 को राष्ट्र शिक्षा परिषद की स्थापना होती है और 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत प्रति वर्ष शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था की गई। ये भी पूछता है, बताइए प्रति वर्ष 1 लाख शिक्षा पर खर्च करने की व्यवस्था किस एक्ट के तहत? चार्टर अधिनियम के तहत आता है। सेटलर आयोग शिक्षा संबंधित था। सेटलर आयोग शिक्षा से संबंधित था। सेटलर आयोग बीपीएससी बहुत पूछता है। और 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावना के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया। डॉक्टर एम ई सेडलर जो लीड्स विश्वविद्यालय के उप कुलपति हुआ करते थे, इसको अध्यक्ष नियुक्त किया था। इस आयोग के सदस्य दो भारतीय, डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद थे। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सेडलर आयोग के अध्यक्ष आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद भी थे। सेडलर आयोग किससे संबंधित है? शिक्षा आयोग से। इस आयोग को कलकत्ता विश्वविद्यालय की शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया। इस आयोग का यह विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। किसका था? सेटलर आयोग का। भारतीय शिक्षा पद्धति में भाषा संबंधी विवाद पर अपना विवरण देने के लिए विलियम बेंटिंग ने अपने काउंसिल के विधि सदस्य मैकाले को लोक शिक्षा समिति का प्रमुख नियुक्त किया। बेंटिंग ने किसको प्रमुख नियुक्त किया? मैकाले को। लोक शिक्षा समिति का प्रमुख, हाँ सही है। मैकाले ने भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया। आज जो अंग्रेजी देख रहे हैं मैकाले का। भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। द थ्योरी ऑफ डॉन वार्ड फिल्ट्रेशन शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी लॉर्ड मैकाले के शिक्षा से संबंधित है। इस सिद्धांत का अर्थ था
कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को ही दी जाए, बताइए जी इसका क्या सिद्धांत था? शिक्षा समाज के शासक वर्ग को दिया जाए, उच्च वर्ग को ही दिया जाए, इस वर्ग से छन छन कर ही शिक्षा का असर जन सामान्य तक पहुँचे। थोड़ा थोड़ा भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का नींव 1835 ईस्वी मैकाले के स्मरण पत्र से पड़ी। मैकाले मिंटो स्मरण पत्र मिंटो स्मरण पत्र को मिनट कहा जाता है। स्मरण पत्र को मिनट कहा जाता है। बताइए भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का नींव कब रखा गया? 1835 ईस्वी में मैकाले के स्मरण पत्र से पड़ी है, ठीक ना। मैकाले ने भारत रीति रिवाजों के लिए अपना तिरस्कार इन शब्दों में व्यक्त किया है। मैकाले ने भारत रीति रिवाजों के लिए अपना तिरस्कार जो है ना एक शब्द में व्यक्त किया, जैसे कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। बताइए कितना भारत को नीचा किया। भारत के एक यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का कक्ष भारत और अरब में समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। कौन बोला ये? मैकाले ने बोला। विलियम बेंटिंक के काल में 7 मार्च 1835 को प्रस्ताव द्वारा मैकाले को दृष्टिकोण अपना लिया गया। गवर्नर जनरल विलियम केवेंडिश बेंटिंक के शासनकाल में 7 मार्च 1835 ईस्वी को मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। अंग्रेजी के उच्च शिक्षा का माध्यम 7 मार्च 1835 को प्रस्ताव को लाया गया तो उसमें माना गया था। किसके काल में? केवेंडिश के काल में। उसी का पूरा नाम है विलियम बेंटिंक के काल में ही इसको जो मैकाले का प्रस्ताव मान लिया गया। इसका मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम मान लिया गया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाने वाला 1854 चार्ल्स वुड के डिस्पैच को आधार मनाकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता मद्रास एवं मुंबई के स्थापना 1857 में की गई। कलकत्ता मद्रास और मुंबई के विश्वविद्यालय की स्थापना 1854 के वर्ल्ड वुड डिस्पैच के अंतर्गत। हाँ जो कहा गया था 1854 के वर्ल्ड वुड डिस्पैच के आधार पर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर 3 विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया, कलकत्ता मद्रास बम्बई जो 1857 में जी। यह महाराष्ट्र के समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की स्थापना की थी। कौन? कर्वे। देखिए डीके कर्वे के प्रयत्न से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय का स्थापना होता है। ये पूछेगा डीके कर्वे के नेतृत्व में मुंबई में पहला महिला विश्वविद्यालय का स्थापना होता है। योजना महाराष्ट्र के समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता हुआ करते थे। कौन? डीके कर्वे को याद रखिए, क्योंकि महिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया था मुंबई में यही, और यह बहुत बड़ा समाज सुधारक थे। इन्होंने विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की स्थापना की। 1896 ईस्वी में उन्होंने पुणे में विधवा गृह की स्थापना किया था। डी कर्वे ने 1896 में क्या किया था? पूना में विधवा गिरी की स्थापना की थी। उन्होंने स्वयं एक ब्राह्मणी विधवा से विवाह किया। डी कर्वे ने क्या किया था? स्वयं एक ब्राह्मण विधवा से विवाह कर लिया था, ठीक ना किया। और वर्ष 1958 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। बताइए डी कर्वे को कब भारत रत्न दिया गया? 1958 में भारत रत्न दिया गया। कब? डी कर्वे को डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का स्थापना मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ पुणे में की गई थी तथा 1884 ईस्वी में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित की गई। इस संस्था के संस्थापक में वी के चिपलुंकर, बी जी तिलक, गोपाल गणेश आंगरकर एवं एम बी नाम जोशी प्रमुख थे। राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक प्रचारकों में से एक थे। राजा राम मोहन राय। हाँ 1817 ईस्वी में इन्होंने डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डब के साथ मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। बताया कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में डेविड हेयर एवं डब से मिलकर राजा राम मोहन राय ने हिंदी कॉलेज की स्थापना 1870 ईस्वी में कलकत्ता में की। 17 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ किया था? 17 कलकत्ता में।
मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में अजमेर में, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में अलीगढ़ एवं दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 ईस्वी में हुई थी। भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय ने प्रबल रूप से वकालत की थी। लेकिन यहाँ जो हिंदू कॉलेज की स्थापना बनारस में होना चाहिए, कलकत्ता ने हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी कलकत्ता में, प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना बनारस में तो है मदन मान मोहन, जिसको देख लिया जाए था, वो बनारस आगे पर हाँ वो 1916 में हुआ था, 1916 में ना, ये 1817 में जो हुआ था ना, ये हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में हुआ था, ये सही है, इधर भी हुआ था, 1916 में हुआ था वो। मतलब देखिए अलीगढ़ में दिल्ली कॉलेज की स्थापना कब हुआ, 1824 में। भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय ने प्रबल रूप से वकालत की थी। भारतीय शिक्षा में धार्मिक मतलब भारत विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय ने प्रबल रूप से वकालत की थी। इन्होंने वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना की थी। मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना की थी। और हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में कौन किया था, राजा राम मोहन राय के प्रयास और डेविड हेयर और डफ के साथ मिलकर 1817 में कलकत्ता हिंदू विश्वविद्यालय, और 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। और 1919 से 1939 तक इसके कुलपति भी रहे मदन मोहन मालवीय। इन्होंने हिंदुस्तान, द इंडियन यूनियन, अभ्युदय तथा मर्यादा नामक पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित की। मतलब इनका पत्रिका बताइए, इन्होंने हिंदुस्तान, इंडियन यूनियन, अभ्युदय तथा मर्यादा, किसका पत्रिका है, मदन मोहन मालवीय का। इस तरह से ये पूरा हो गया। अब इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। देखिए भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था, कलकत्ता में 1780 ईस्वी में हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में किया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक विलियम जॉन, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय का स्थापना जोनाथन डंकन के प्रयास से हुआ। बताइए निम्नलिखित में से किस पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई, माइकल मधुसूदन दत्त को पेरिस के रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई माइकल मधुसूदन दत्त। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था, चार्ल्स विल्किंसन ने क्या किया था, भगवद गीता को अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था। निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला को पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद करवाया, विलियम जॉन्स ने शकुंतला को, अभिज्ञान शकुंतलम को अंग्रेजी में अनुवाद किसने करवाया, सर विलियम जॉन्स ने। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था, छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्त हेतु शिक्षित भारतीय की आवश्यकता, इसका मुख्य उद्देश्य था छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्त हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम से पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1,00,000 रुपए की दर, 1813 का चार्टर अधिनियम 1813 इसी में ईसाई मिशनरियों को भी आजाद। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था, चार्ल्स वुड जो था शिक्षा से सुधार, शिक्षा से। हंटर कमीशन का रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया किस पर, प्राथमिक शिक्षा। प्रथम भारत शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की थी, लॉर्ड रिपन वर्ष 1882 में। रिपन ने 1882 में प्रथम भारत शिक्षा आयोग का गठन किया था। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन का स्थापना कब होती है, 15 अगस्त 1906 को, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन 15 अगस्त 1906 53 और 55 बीपीएससी 15 अगस्त 1906 को, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन का स्थापना 15 अगस्त 1906 संबंधित है। सेडलर आयोग किससे संबंधित, शिक्षा से, शिक्षा से। बताइए शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सेडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया, 1917 में, 48 और 52 बीपीएससी में पूछा हुआ। देखिए 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने दो भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया, वह कौन था, सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी, सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। यह 66वां बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन था 1902 में लॉर्ड कर्जन ने दो भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था, किसको, सैयद हुसैन बिलग्रामी को, न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी को। लॉर्ड मेकाले संबंधित हैं, ये अंग्रेजी शिक्षा से, अंग्रेजी शिक्षा से। भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित था, शिक्षा से, शिक्षा से। भारत की शैक्षणिक नीति में
फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? मैकाले। फिल्ट्रेशन थ्योरी के मैकाले थे। ड्रॉग फिल्ट्रेशन थ्योरी। हाँ, इसमें कहा गया कि शिक्षा जो उच्च लोगों को मिलेगा। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का नींव किसने किससे पड़ी? 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? विलियम वेंटिंग के काल में। भारत में प्रथम तीन विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और मुंबई की स्थापना किस वर्ष होती है? 1857 में। 1857 में सही है। हाँ हाँ सही है। किसके सतत प्रयत्नों से मुंबई के प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? डी कर्बे। ये एक समाज सेवक था। इसने एक विधवा से भी विवाह कर लिया था। ब्राह्मण विधवा था। हाँ, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन से संबंधित थे? बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? हिंदू कॉलेज कलकत्ता, दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज। किसका हुआ था पहले? कलकत्ता 1817 ईस्वी में। हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 राजा राम मोहन राय के प्रयास से। और एक दू को वैज्ञानिक क्या था, अंकल था डरफे डबर था डरफे वही डॉट 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 बताइए। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना कब होती है? अलीगढ़ कॉलेज की स्थापना कब होती है? 1875 में। अब देखिए एक आईएएस 2009 का क्वेश्चन है। हेविड हेयर और डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? राजा राम मोहन राय। बताइए विलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? क्योंकि इसका ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रक्षिप्त करना चाहता। विलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इसलिए की थी, वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षण चाहता था। यह जो है आईएएस में क्वेश्चन पूछा हुआ 2020 में। बताइए निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? मदन मोहन मालवीय ने की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? मदन मोहन देखिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? शिलान्यास बोला था, हार्डिंग ने किया था। देखिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास 4 फरवरी 1916 को बसंत पंचमी के दिन तत्कालीन वायसराय हार्डिंग के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया। अब हम सब लोग आधुनिक भारत में प्रेस का विकास पढ़ते हैं, ठीक है जी। देखिए भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट था। प्रारंभ में विलियम वोल्टर्स द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन का प्रयास किया गया था, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको इंग्लैंड भेज दिया। 1780 ईस्वी में जे ए हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया। बंगाल गजट कौन प्रकाशित किया? जे ए हिक्की ने कब? 1780 में, जो कि भारत का पहला समाचार पत्र था। बंगाल गजट। विलेजली ने 1799 ईस्वी में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया था। उसने 1799 ईस्वी में समाचार पत्रों का प्रत्येक्षण अधिनियम पारित कर दिया और समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसर लागू कर दिया। और 1807 ईस्वी में यह अधिनियम पत्रिकाओं, पेम्पलेट तथा पुस्तकों सभी पर लागू कर दिया गया। लॉर्ड हेस्टिंग ने 1818 ईस्वी में इस अधिनियम को रद्द कर दिया गया। सेंसर अधिनियम को रद्द किसने किया? हेस्टिंग। 1818 ईस्वी और 1799 ईस्वी में सेंसर बैठाया था कौन? लॉर्ड वेलेजली। वेलेजली ने। और इसको खत्म कौन कर दिया? हेस्टिंग। 1818 ईस्वी में। रीपर ने 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अथवा देशी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया। लॉर्ड रीपर, इसलिए सज्जन रीपर बनते हैं। रीपर क्या करता है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अथवा देशी भाषा से प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया। 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अथवा देशी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया गया और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी। कौन दिया? रीपर ने दिया। लॉर्ड रीपर 1882 में। लीटन ने ये लाया था ना, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन लाया था? लीटन लाया। लीटन ने, लेकिन उसको रीपर ने खत्म कर दिया। और जैसे कि समाचार अंग्रेजी समाचार पत्र था, उसी तरह भारतीय हिंदी समाचार पत्र को स्थान दिया गया।
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लिटन के कार्यकाल में पारित हुआ था। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया। किस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को मुंह बंद करने वाला अधिनियम। हाँ, इस एक्ट के तहत जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार था वह किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र से बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवा लें कि वह कोई भी ऐसी सामग्री नहीं छापेगा जो सरकार के विरुद्ध हो। अच्छा, बॉन्ड पेपर पर साइन करवा लेता था कोई, कोई भी उल्लू झुल्लू सरकार के विरुद्ध नहीं छापता, खिलाफ नहीं बोल सकते हो, जैसा कि अभी हो रहा है। अभी हो रहा है ये रविश कुमार यादव। नहीं, रविश कुमार ये थोड़ी कर रहा है, सरकार के खिलाफ नहीं कर रहा है। आप नहीं समझे बात को, बताइए। कानून का विरोध करने वाले मुद्रणालयों को जमानत को मजिस्ट्रेट रद्द कर सकता था। इस अधिनियम के अधीन सोम प्रकाश, भरत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर इत्यादि समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए। पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाला पहले भारतीय बाल गंगाधर तिलक थे। पत्रकारिता पर सबसे पहला सजा पाने वाला कौन था? बाल गंगाधर तिलक था। और 1882 ईस्वी में उन्हें सरकार ने 4 मास का जेल में बंद कर दिया। 4 महीने का? हाँ, 4 महीने का, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों द्वारा कोल्हापुर के महाराजा के प्रति धृष्टता करने पर कड़े शब्दों में निंदा की थी। लिखा था। और 1897 ईस्वी में उन्हें 2 अंग्रेजों की हत्या के लिए चापेकर बंधुओं को उत्तेजित करने शिवाजी द्वारा अफजल खान के वध संबंधी लेख के आधार पर 18 मास मतलब कि उत्तेजित करने के लिए 18 मास के कड़े कारावास को दंड दिया गया। उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप में फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने शुरू किया। बताइए, फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने स्टार्ट किया? तारकनाथ दास। फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास। राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से प्रचारित एवं प्रसारित किया। दिसंबर 1821 ईस्वी में उन्होंने बंगला साप्ताहिक संवाद कौमुदी अथवा प्रज्ञा का चंद का प्रकाशन किया। बताइए, संवाद कौमुदी किसका है? राजा राम मोहन राय। प्रज्ञा का चंद उसी को बोला गया। मिरातुल अखबार, बुद्धि दर्पण। इसके एक वर्ष पश्चात इन्होंने फारसी भाषा में अन्य साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला। राजा राम मोहन राय, हाँ, मिरातुल अखबार हुआ या बुद्धि दर्पण, यह किस भाषा में था? फारसी में था। पूछेगा मिरातुल अखबार किस भाषा में था? फारसी में था। बुद्धि दर्पण फारसी में, इन उसी को बोलते हैं। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता में होता है। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता में, और यह किस भाषा का था? बंगाल भाषा। नहीं, इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता से होता था। और इंडियन मिरर का स्थापना 1861 का, इंडियन मिरर का स्थापना 1861 में हुआ। इसका श्रेय जो है देवेंद्रनाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष को जाता है। अच्छा, इंडियन मिरर अखबार का श्रेय किसको जाता था? टैगोर और मनमोहन घोष। मनमोहन घोष को जाता है। भारत को ब्रिटिश राज से मुक्त कराने हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना और करतार सिंह सराभा आदि ने मिलकर गदर आंदोलन की स्थापना की थी। भारत को ब्रिटिश राज से मुक्त कराने हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका में कनाडा में कौन? लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना, करतार सिंह सराभा आदि ने मिलकर गदर आंदोलन का स्थापना किया था। इस पार्टी का मुख्य पत्र गदर एक साप्ताहिक पत्र था। इस पार्टी का मुख्य पत्र क्या था? गदर एक साप्ताहिक पत्र था, जिसके प्रथम संस्करण का प्रकाशन कब होता है? 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को से किया गया था। यह उर्दू में था, यह पूछेगा बहुत। गदर एक साप्ताहिक कैसा था? उर्दू में था। एक नवंबर 1913 में आता। और 9 नवंबर 1913 से यह गुरुमुखी में भी छपने लगा। 9 दिसंबर 1913 से यह गुरुमुखी में भी, पहले तो 1 नवंबर 1913 को उर्दू में छपा, उसके बाद 9 दिसंबर 1913 से यह गुरुमुखी लिपि में छपने लगा। यह पत्र मराठी, हिंदी, अंग्रेजी एवं गुजराती में भी प्रकाशित हुआ। इसका एक अंक पख्तूनी भाषा में भी छपा था। एक अंक पख्तूनी भाषा में भी छपा था। उसका गदर साप्ताहिक अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1868 ईस्वी में कलकत्ता में की। अमृत बाजार की पत्रिका का स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1878 में किया। अमृत बाजार का स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1868 के द्वारा 1868 में। प्रारंभ में यह बंगला भाषा में प्रकाशित हुआ। अमृत बाजार बंगला भाषा में प्रारंभ में यह बंगला भाषा में प्रकाशित होता है। और 1878 ईस्वी में देसी भाषा प्रेस अधिनियम से बचने के लिए यह रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गई। मतलब कि वर्नाकुलर एक्ट से बचने के लिए यह रातों रात क्या कर दिया? अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित कर दिया।
और गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 ईस्वी में किया। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन कब किया? 1862 बंगाली पत्रिका है, और जिसने 1879 ईस्वी में एस एन बनर्जी ने ले लिया। हिंदू पेट्रियाटिक की स्थापना भी गिरीश चंद्र घोष ने की थी। हिंदू पेट्रियाटिक की स्थापना किसने किया था? गिरीश चंद्र घोष ने की थी। बाद में हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके संस्थापक बने। 1881 ईस्वी में मुंबई से केसरी और मराठा नामक दो महत्वपूर्ण समाचार पत्र प्रारंभ किया गया। मुंबई से कौन हुआ 1881 में? मुंबई से केसरी और मराठा। मराठा भाषा में प्रकाशित केसरी को तिलक ने होम रूल आंदोलन का मुख्य पत्र बनाया था। मराठा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। मराठा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। प्रारंभ में केसरी के संपादक आगरकर थे। प्रारंभ में केसरी के संपादक कौन थे? आगरकर। बाद में केसरी और मराठा पत्रों का संपादन तिलक द्वारा किया गया। प्रारंभ में केसरी का संपादक कौन था? आगरकर। बाद में केसरी और मराठा का संपादक कौन हो गया? बाल गंगाधर तिलक होंगे। बंगवासी, काल एवं केसरी आदि पत्रिकाएं क्रांतिकारी आंदोलन के समर्थक और कांग्रेस की उदारवादी नीतियों के आलोचक रही थी। संध्या, युगांतर एवं काल, इन तीनों समाचार पत्रों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी। बांग्ला साप्ताहिक सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन 1858 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रारंभ किया था। सोम प्रकाश किसने प्रारंभ किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कब? 1858 में। देखिए, इस समाचार पत्र ने नील आंदोलन के किसानों के हितों का समर्थन किया। नील आंदोलन किसानों के हितों का समर्थन किसने किया था? सोम प्रकाश। फ्री प्रेस जनरल एक न्यूज एजेंसी थी। फ्री प्रेस जनरल क्या था? न्यूज एजेंसी थी। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका से 1903 में प्रारंभ की गई थी। इंडियन ओपिनियन किसके द्वारा? दक्षिण अफ्रीका से 1903 में प्रारंभ की गई थी, जिसमें जिसके प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे। इसके प्रथम संपादक कौन थे? मनसुख लाल नजर थे, जो नटाल कांग्रेस के सचिव हुआ करते थे। नटाल कांग्रेस के सचिव कौन थे? मनसुख लाल नजर। यह पत्र गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में निकलता था। गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में निकलता था। कौन? इंडियन ओपिनियन। यंग इंडिया 7 मई 1919 से महात्मा गांधी के पर्यवेक्षण में मुंबई से द्वि साप्ताहिक रूप से प्रकाशित होता था। यह यहाँ के प्रारंभिक संस्करणों में जमुना दास, द्वारका दास तथा शंकर लाल बैंकर इसके संस्थापक रहे। 8 अक्टूबर 1919 से यंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी बने। यंग इंडिया के संपादक 8 अक्टूबर 1919 के बाद कौन बना? महात्मा गांधी। और अहमदाबाद से साप्ताहिक रूप से प्रकाशित होने लगा। जमुना दास, द्वारका दास तथा शंकर लाल बैंकर एनी बेसेंट को होम रूल लीग के सदस्य थे। एनी बेसेंट के होम रूल लीग के सदस्य कौन कौन थे? जमुना दास, द्वारका दास और शंकरलाल बैंकर एनी बेसेंट के होम रूल के सदस्य थे। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। हिंदू पेट्रियाट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने तो इस आंदोलन में काफी काम किया है। हिंदू पेट्रियाट के पहले 2 वर्ष में गिरीश चंद्र घोष संपादक रहे थे। 1855 ईस्वी में हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके संपादक हो गए। हिंदू पेट्रियाट के वह निर्भीकता से बगान मालिकों के अत्याचारों की पोल खोलने तथा सताए हुए किसानों की सहायता से लगे रहे। 1861 ईस्वी में किस्टोदास पाल इसके संस्थापक बने। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अरविंद घोष संपादक के रूप में जुड़े थे। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ कौन जुड़ा था? वंदे मातरम के साथ अरविंद घोष संपादक के रूप में जुड़े थे। और वर्ष 1931 में दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन की स्थापना की थी। द इंडियन नेशन की स्थापना किसने किया था? दरभंगा के कामेश्वर सिंह ने 1931 में द इंडियन नेशन की स्थापना किया था। द इंडियन नेशन की स्थापना किसने किया था? कामेश्वर सिंह। रामकृष्ण पिल्ले का जन्म 1878 ईस्वी में तत्कालीन त्रावणकोर राज्य के नयंतीनंकारा के नायर परिवार में हुआ था। गांधी जी ने साप्ताहिक समाचार पत्रों के रूप में हरिजन बंधु गुजराती में तथा हरिजन सेवक हिंदी में प्रारंभ किया था।
हरिजन किसमें क्या था? अंग्रेजी में, और हरिजन बंधु गुजराती में, तो हरिजन सेवक हिंदी में प्रारंभ किया। हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को पूना से प्रकाशित होता है। हरिजन का प्रथम अंक कब प्रकाशित होता है? 11 फरवरी 1933 को प्रकाशित होता है। जुलाई 1924 में भीमराव अंबेडकर ने मुंबई में एक संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई। बहिष्कृत हितकारिणी सभा किसने बनाई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कहाँ? मुंबई में। मुंबई में, जिसका उद्देश्य अस्पृश्य लोगों के नैतिक तथा भौतिक उन्नति करना था। उन्होंने ही मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत का आरंभ किया। अब्दुल कलाम आजाद ने वर्ष 1912 में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल प्रकाशन का प्रारंभ किया। अल हिलाल किसका था? अबुल कलाम आजाद। 1912 में अबुल कलाम ने अल हिलाल का प्रकाशन किया। अल बलाग का प्रारंभ इन्होंने 12 नवंबर 1915 में किया, और वर्ष 1914 में अल हिलाल पर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगा दिया था। 1914 में प्रेस एक्ट के तहत क्या हुआ? प्रतिबंध लग गया। लाला लाजपत राय ने लाहौर से एक युद्ध उर्दू दैनिक वंदे मातरम और अंग्रेजी साहित्य दी पीपुल निकाला। लाला लाजपत राय ने लाहौर से उर्दू दैनिक वंदे मातरम और अंग्रेजी साप्ताहिक द पीपुल निकाला। इसके पहले वह संयुक्त राज्य अमेरिका में यंग इंडिया का प्रकाशक कर चुके थे। यंग इंडिया का प्रकाशक कर चुका था लाला लाजपत राय। द पायनियर समाचार पत्र का प्रारंभ 1865 ईस्वी में इलाहाबाद से जॉर्ज एलन ने किया। द पायनियर किसने किया था? जॉर्ज एलन ने। कहां से? इलाहाबाद से। 1865 से द पायनियर जॉर्ज एलन ने किया था इलाहाबाद से। कौमी आवाज नामक उर्दू अखबार का प्रसारण वर्ष 1945 में जवाहरलाल नेहरू तथा रफी अहमद किदवई द्वारा लखनऊ से प्रारंभ किया गया। कौमी आवाज किसका था? जवाहरलाल नेहरू तथा रफी अहमद किदवई के द्वारा लखनऊ से किया गया 1945 में कौमी आवाज का। और रास्ता गोप्तर नामक दादा भाई नौरोजी से संबंधित है। रास्ता गोप्ता ठीक ना। भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र निकाला था। इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र कौन निकाला था? मोतीलाल नेहरू ने। और राप्ता गोप्ता किसका है? दादाभाई नौरोजी। कॉमनी वाल मद्रास से प्रकाशित अंग्रेजी पत्र था। कॉमनी वील किसका था? कॉमन वील मद्रास से प्रकाशित अंग्रेजी पत्र था, जिसका संपादक एनी बेसेंट। तो इस तरह से ये पूरा प्रेस एक्ट हो गया। अब जो हम इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं, भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की? पुर्तगालियों ने वर्ष 1550 किया गया था। भारत में प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों द्वारा 1550 में शुरू किया गया। भारत का पहला समाचार पत्र बताइए? बंगाल गजट। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया? बेलेजली। प्रेस सेंसरशिप सबसे पहले बेलेजली ने 1799 में लागू किया था। 1877 ईस्वी का वर्णाकुलम प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? लॉर्ड लिटन ने रद्द कर दिया। 1882। निम्नलिखित में से किसने वर्णाकुलम प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया? लॉर्ड लिटन ने। गवर्नर जनरल के समय किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया? रिपन के समय। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बाल गंगाधर तिलक। कौन था? तिलक था। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तारकनाथ दास ने किया था। यह बीपीएससी में पूछा हुआ है, 39वां बीपीएससी में पूछा हुआ है। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार का क्वेश्चन क्या था? फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार का प्रकाशित करते थे कौन? राजा राम मोहन राय। मिरातुल अखबार 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहां से हुआ था? कलकत्ता से हुआ था। गदर पर्थ का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में? उर्दू में हुआ। गदर पार्टी का प्रथम गदर था, साप्ताहिक पत्र था। कौन था? एक साप्ताहिक पत्र था। अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना किसने की? शिशिर कुमार घोष ने की थी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? केसरी ने। केसरी किया था। क्रांतिकारी कार के निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अन्य कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? बंगवासी काल और केसरी, उपरोक्त में से सभी होगा।
क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं है? संध्या, युगांतर, गदर और यंग इंडिया, बताइए। यंग इंडिया नहीं जुड़ा है। यंग इंडिया क्रांतिकारी गतिविधियों से नहीं जुड़ा हुआ है। ये महात्मा गांधी का है। 60 और 62वां बीपीएससी दोनों पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया है? सोम प्रकाश सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। किसने? अच्छा, ईश्वर चंद्र विद्याकर, सॉरी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। आइए 2007 में पूछा हुआ। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादी की नीतियों का प्रचारक था? लीडर। लीडर 47वां बीपीएससी में पूछा हुआ। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक? मनसुख लाल दा। मनसुख लाल नजर। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रमुख संपादक कौन था? मनसुख लाल नजर। नजर है। नजर। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? द इंडियन ओपिनियन। द इंडियन ओपिनियन। निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपा था? नहीं छपा, उर्दू भाषा। ये बहुत पूछता है। गुजराती, तमिल सब में छपा था। एक साप्ताहिक रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया गया था? होम रूल पार्टी ने। होम रूल पार्टी ने किया था। हिंदू का पहला समाचार पत्र, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्टंड प्रकाशित हुआ था? कहाँ से? कोलकाता से। 30 मई 1826 को हिंदी का पहला समाचार पत्र उदन मार्टन 30 मई 1826 को कोलकाता से हुआ था। 1826 कोलकाता से। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था? हिंदू पेट्रियार्क था। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाला हिंदू पेट्रियार्क के समर्थक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम का साथ निम्नलिखित में से किसने अपने को संबद्ध किया? अरविंद घोष। अरविंद घोष ने। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? इंडियन नेशन। अच्छा, इंडियन नेशन। इंडियन नेशन का प्रकाशन पटना से होता था। 45वां बीपीएससी पूछा हुआ है। स्वदेश वाहिनी के संस्थापक संपादक कौन थे? के राम कृष्ण पिल्ले थे। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंस जुड़ा था? मोतीलाल नेहरू से। भारत मित्र समाचार पत्र किस भाषा में था? हिंदी। राष्ट्र मित्र किस भाषा में? मराठी भाषा में। प्रजा मित्र गुजराती और नायक बंगाली। अच्छा बताइए, दैनिक आज का समाचार पत्र है, इसका संपादक कौन था? शिव प्रसाद गुप्त। द लीडर का संपादक? मदन मोहन मालवीय। द नेशनल हेराल्ड का संपादक? जवाहरलाल नेहरू। द पायनियर का संपादक? जॉर्ज एलन था। बताइए, कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? प्रताप। हरिजन के प्रारंभकर्ता थे? गांधी जी। हरिजन के प्रारंभ गांधी जी थे। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में से कहां से प्रकाशित किया गया? पूना से। पूना से किया गया था। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? बी आर अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर ने। बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे? भीमराव अम्बेडकर। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है? अल हिलाल। बताइए, वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? वंदे मातरम। बताइए, काल समाचार पत्र के संपादक कौन थे? काल शिवराम महादेव परांजपे। अब बंगाली के संपादक सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुधारक के संपादक कौन थे? और सोम प्रकाश के संस्थापक द्वारका नाम विद्याभूषण। अच्छा बताइए, तो लीडर के संपादक आरंभ करने वाले प्रकाशक और बॉम्बे क्रॉनिकल के संपादक इंडिपेंडेंस के जस्टिस के टीएमआई अबुल कलाम आजाद किससे अल हिलाल फिरोज शाह मेहता बॉम्बे क्रॉनिकल का एनिमेशन न्यू इंडिया का महात्मा गांधी यंग इंडिया का। बताइए तो समाचार पत्र और संस्थापक मिलान करने के लिए दिया है, बोलता है इसमें से कौन सम्मिलित नहीं है? अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आजाद सही है। न्यू इंडिया एनिमेशन सही है। तजीब उल आल्क गलत है। मोहम्मद अली जिन्ना सैयद अहमद खान होगा। संवाद कौमदी राजा राम मोहन राय। बताइए, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का से महात्मा गांधी संबंधित है? यंग इंडिया से। निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज पत्र का आरम्भ किया था? जवाहरलाल नेहरू। कौमी आवाज जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू ने किया था।
पता है निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए नवजीवन एम के गांधी सही है, स्वराज स्वराज टी प्रकाशम स्वराज का किसने क्या था टी प्रकाशम, और प्रभात का एनसी केलकर, कोमी आवाज अबुल कलाम आजाद, ये गलत है, कौमी आवाज जवाहरलाल नेहरू ने किया था, बताइए कौमी कॉमनवेल किसका है? एनी बेसेंट। यंग इंडिया किसका है? गांधी जी का। और केसरी? गांधी जी। बाल गंगाधर तिलक? बाल गंगाधर तिलक। मूक नायक? भीमराव अम्बेडकर। मूक नायक भीमराव अम्बेडकर। अच्छा बताइए समाचार दर्शन समाचार दर्पण जेसी मार्समैन, मिरातुल अखबार केसरी बीजी तिलक, यंग इंडिया महात्मा गांधी। देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्र द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए, 64वां बीपीएससी में पूछा हुआ है। इसका सही जो होगा देखिए जी सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गंगा प्रसाद वर्मा, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। द हिंदू किसने किया था? जी सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी बाल गंगाधर तिलक, और बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। अच्छा बताइए एनी बेसेंट का बताइए तो न्यू इंडिया। महात्मा गांधी का यंग इंडिया, अब बाल गंगाधर तिलक का माथा केसरी, कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा हुआ है? एनी बेसेंट से जुड़ा हुआ, और बिपिन चंद्र पाल का बताइए किससे जुड़ा हुआ था? बिपिन चंद्र पाल न्यू इंडिया, न्यू इंडिया। अरविंद घोष वंदे मातरम, और ब्रह्म बांध उपाध्याय संध्या से, मोहम्मद अली कॉमरेड, मोहम्मद अली कॉमरेड। दस रोजा पत्रिका राष्ट्र आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की थी? अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार। दस रोजा पत्रिका किसका था? अब्दुल गफ्फार खान। दस रोजा पत्रिका अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान। अब बताइए एस एन डांगने सोशलिस्ट, सोशलिस्ट एस एन डांगने सोशलिस्ट से, अब मुजफ्फर अहमद नवयुग, मुजफ्फर अहमद का समाचार पत्र क्या था? नवयुग, मतलब पत्रिका नवयुग था। गुलाम हुसैन का पत्रिका इनकलाब, इनकलाब। और एम सिंगर वेलू लेबर किसान गजट, आज हम सब लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक। आगे का जो है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन।